जनपद रामपुर शाहबाद में राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक तुषार कांत के नेतृत्व में आज नगर शाहबाद में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीए और एनआरसी को लेकर भारतीय मुसलमानों के दिलों में बैठे हुए भय को दूर किया। उन्होंने बताया, सीए और एनआरसी से भारतीय मुसलमानों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बाहर से आने वाले लोगों को नागरिकता देने या न देने का कानून है। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में सभी धर्मों का विशेष योगदान है, इसलिए सभी धर्म भारत के ही अभिन्न अंग है। आज के इस कार्यक्रम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मिसाल मेहंदी और ताहिर खान के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की माधुरी सक्सेना, आशुतोष पाठक, मनोज भारद्वाज, नरेंद्र कुमार, नदीम खान, दाऊद सफी, खुर्शीद अहमद, अफजाल मियां, गुलफाम मियां, आशु बबलू रेहान आदि मौजूद रहे। यह कार्यक्रम तैयब मियां के आयोजन में किया गया था। श्री मैं भी साथ में जो रखा, इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली की तरह मैं अपने लोगों से कहूँगा कि जो तैयब मियाँ है, तैयब मियाँ ने आज मेहनत की, आप क्योंकि आपने उन्हें प्यार दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसने आपके हौसले से जो आपने हौसला दिया उससे खड़े हुए। कल हमारे किसी भी भाई का जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, अगर कभी भी किसी का कोई काम करे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, चालीस सामने, चालीस पीछे, चालीस दाएं, चालीस बाएं, चार चौक 16, 160 घर, और एक घर के अंदर चार की संख्या कितने हो गए? 16 चौका 64, यानी 640 व्यक्तियों की जिम्मेदारी किस पर है? अकेले एक मुसलमान पर। जबकि ये 640 का पेट ना भर जाए तब तक कोई भी मुसलमान रोटी खाने का हकदार नहीं होता है जी। और 640 लोगों को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती नहीं हो जाती है? इसलिए मैंने कहा है, एक मुसलमान के लिए पूरा दिन रोजा होता है। क्या वह दहशतगर्द हो सकता है? क्या वह आतंकवादी हो सकता है? क्या तो आप लोगों ने आज तक क्यों नहीं बोला जी? और तीसरा, वर्तमान में हुब्बुल वतन निफ्शुल ईमान, इस विषय पर छोटा सा, उसमें एनआरसी भी आएगी, सीए भी आएगा और एनपीआर भी आएगा। December 24, 2002 ईद और दीपावली साथ साथ थी उस समय। दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी में, जो इस देश के अंदर चाहे मुस्लिम जमात में से होंगे, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कुछ नहीं है, छोटी सी बात थी। अपने जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, भारत के अंदर कुछ नालायक राजनीतिक दल जो भोले भाले मुसलमान का राजनीतिक लाभ उठाने के रूप में उपयोग करते हैं, एक अपना भारतीय मुसलमान उनके जाल से बाहर निकले, दूसरा भारतीय मुसलमान तालीम याफ्ता बने, तरक्की याफ्ता बने और खुशहाल मजबूत हिंदुस्तान को बनाने में अपनी भूमिका अदा करे, एक। दूसरा, मुसलमान के लिए हुक्म है, अपने भक्ति हाकिम की इज्जत करो और उसके हुक्म को मानो। यह हुक्म जो हाकिम है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक कानून पास किया है सीएए को लेकर के, जो कि 1947 में ही गांधी जी ने कहा था कि पड़ोसी देशों के अंदर जो पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, वे जब भी भारत आना चाहेंगे, भारत के दरवाजे उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी एक प्रस्ताव पेश किया था। उस समय अपने देश के अंदर कानून मंत्री और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, उनका भी कॉल है कि भारत के अंदर कभी भी पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे और कभी भी वे अपने रोजगार को कर सकते हैं और हम सब उनको सहसम्मान अधिकार देंगे। उसी को लेकर के भारत सरकार ने उन सबके आदेशों को स्वीकार करते हुए, उन सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए, पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अंदर ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन,